Hello students, how are you? I hope all of you will be very good and doing your learning in a proper way, as well as the study materials you are getting from your school, your Sumit Singh Convent School, you are utilizing in a proper way, and doing your homework also that you are getting from your school regularly. Okay, so this side I'm your teacher Rahul Mishra with your subject book English grammar. So now we are going to the exercise on the chapter. As you all know that we have done the chapter on that is on page number 5, the first chapter, unit 1 grammar, that is the word. We have done here the 26 letters. 26 letters in alphabet and their units of language, capital letters, okay, small letters. So as we have done already that there are 26 letters and the letters are the smallest unit of a language. Okay, we have done also vowels and consonants, words, spellings and exercises also. Okay, today we will work from chapter 2, that is sentence. The chapter 2 is on page number 9. So everyone will open their book with a pencil and a copy. Okay, so that I will explain something so you can write it on your copy also. Okay, so let's start the chapter. And those students who didn't have book, बच्चों प्लीज़ आप अपने स्कूल में जाकर बुक्स अपने लिए ले लें ताकि आप भी हमारे साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ सकें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें. ओके, सो लेट्स वर्क ऑन इट. दैट इज़ द चैप्टर सेंटेंस. सेंटेंस को हम बोलते हैं वाक्य. वाक्य, ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंट. एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, एक शब्दों का एक निश्चित समूह होता है. ग्रुप का मतलब समूह, एक निश्चित समूह होता है जिससे एक पूरा सेंस या फिर भाव अर्थ निकलता है. ओके, फॉर एग्जांपल हियर आर सम एग्जांपल्स आल्सो. रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, जैसे फर्स्ट इज दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है. ओके, तो हम ये समझ पा रहे हैं ना कि ये एक बिल्ली है. ओके, एंड द सेकेंड इज हियर दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है. यह मेरी किताब है. ओके, एंड नंबर थ्री इज हियर आई हैव ए बॉल पेन, मेरे पास एक बॉल पेन है, फिर एक लिखने वाली पेन है. ओके, राम, नंबर फोर है यहाँ पे आप राम बुक. राम बुक में अर्थ वर्ड्स का कोई भी एक निश्चित अर्थ हमें नहीं मिल रहा है. राम किताब, राम किताब, वॉट इज इट, इट जस्ट एन वर्ड्स. ओके, एंड नंबर फाइव ईयर काउ डॉग. काउ डॉग इज ऑल्सो ए जस्ट एंड वर्ड. दिस वर्ड्स आर नॉट गिविंग अस अ प्रॉपर मीनिंग, सो वी कांट प्रिफर इट एज अ कंप्लीट सेंटेंस. जैसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया गया, इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1, 2, 3 एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस वाइल 4 and 5 डू नॉट एक्सप्रेस एनी कंप्लीट सेंस. ओके, 4 and 5 में हमें कोई भी एक सेंस या फिर अर्थ नहीं मिल रहा है कि हम इन्हें एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकें या फिर इन्हें एक सेंटेंस कह सकें. ओके, सो समटाइम्स अ सेंटेंस में बी सिंगल वर्ड और ए टू वर्ड्स. कभी कभी जो हमारा वाक्य होगा वो एक शब्द का हो सकता है या फिर दो शब्द का हो सकता है. एज एन एग्जांपल ऐसे होता है गो, गो का मतलब जाओ. तो इससे हमें एक समझ में आ रहा ना कि हम किसी को जाने के लिए कह रहे हैं. ओके, कम हियर, इधर आओ. और यहाँ पे भी हमें एक चीज़ एक सेंस हमें मिल रहा है कि इधर आओ, इधर आना है आपको, इधर आना है. ठीक है, तो कम हियर, यू गो, तुम जाओ. ओके, या दिस इज़ अ नोट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो आप यू कैन राइट इट ऑन योर कॉपी. ओके, फर्स्ट आप डालेंगे नंबर 1, अ सेंटेंस गिव्स आउट ए कंप्लीट सेंस. एक वाक्य हमें एक
पूरा अर्थ देता है, एक वाक्य से हमें एक पूरा अर्थ मिलता है. ओके, सो एवरी सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे. ओके, एंड नंबर थ्री, एवरी सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लामेटरी मार्क. हमें ये डेफिनेट फाइंड आउट करना है कि हम अपने सेंटेंस को एंड करते समय एन थ्री साइंस का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. नंबर फोर, द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर. शब्द आई हमेशा जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा. ओके, सो वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज ऑन पेज नंबर 10. हियर वी विल डू द एक्सरसाइज दैट वी हैव लर्न हियर. ओके, वॉट डू यू मीन बाई सेंटेंस? सो एज ऑन प्रीवियस पेज वी हैव लर्न हियर, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ओके, नाउ वी विल राइट, दैट इज ऑन क्वेश्चन. ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस. ओके.